सोच बन के सोचा हो सारे बढ़िया बना देखते हैं बढ़िया सो फाइन सुन एक और रियक्शन आज हम जाकर फाइनली एक बहुत ज्यादा लेजेंडरी सॉन्ग पे ठीक है। सो यू नो एमसी प्रो के सजेशन इस चैनल पे कभी नहीं रुकते, उनके फैंस कंटिन्यूसली उनके सजेशन ड्रॉप करते रहते हैं, ही इज अ लेजेंड ठीक है। और बहुत टाइम हो गया था अपने कोई भी ओल्ड सॉन्ग पर रिएक्शन नहीं किया था, मतलब सर के सॉन्ग पर रिएक्शन किया था पर उसको भी 7-8 महीने हो गए होंगे, तो मैंने सोचा करना कब से सोच रहा था मैं ये। और तब तक अपने एक सब्सक्राइबर संदेश गौतम भाई ने मुझे लिरिक्स एंड लिंक सेंड करी इस गाने की और बोला जब भी भैया आप एमसी फ्लो के गाने पर रिएक्शन चालू करो सबसे पहले इस सॉन्ग का रिएक्शन आना चाहिए बिकॉज दिस सॉन्ग इज लेजेंडरी। तो मैंने बोला व्हाई नॉट ब्रो, आज ही ड्रॉप करते ठीक है। सो ऐसे सरप्राइज देता हूँ मतलब समझ रहे हो मैं सब्सक्राइबर्स को, तो तुम लोग भी जितने हो नीचे जाके कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो ओल्ड सॉन्ग्स भी, समझ रहे हो मतलब जब भी मेरा मन पड़ेगा मैं ऐसे रिएक्शंस ड्रॉप कर दूंगा अचानक से। तो दैट्स द सीन फिलहाल के लिए, मुझे पता है तुमसे वेट नहीं हो रहा है, गाना थोड़ा सा लंबा है 4 मिनट का है तो वाइब चेक करते हैं। बिफोर दैट ऑल द एमसी फ्लो फैंस मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, लेट्स गेट इन। यो तो तुम समझ रहे हो कि 11 साल पुराना गाना ये, दिस इज क्रेजी ब्रो। वाइब चेक ये बहुत ही इंटेंस टाइप की वाइब आ रही भाई मेरे को तो। मैले हाँस्न सिकेँ दुःखलाई भुलाए ठिक पारी दिए मुटुको दुखाए तिम्रो आश्वासन थियो कुकुरको भुकाए अब म आउँदिन तिमीले बोलाए। मैले हाँस्न सिकेँ दुःखलाई भुलाए ठिक पारी दिए मुटुको दुखाए तिम्रो आश्वासन थियो कुकुरको भुकाए अब म आउँदिन तिमीले बोलाए। वेरी सिंपल येट वेरी इफेक्टिव कोरस आउट देयर। उनने बोल रहे हैं कि यू नो कि मैंने जो हंसना सीखा है वो खुद के दिल के यू नो पेन को मार के सीखा है, समझ रहे हो। ये कितनी डीप बातें चल रही है भाई, बोल रहे कि तेरे जितने भी यू नो प्रोमिसेस थे वर्ड्स थे वो सारे झूठे थे, दे डजेंट मीन एनीथिंग लाइक द डॉग बार्क, समझ रहे हो। वो बोल रहे हैं कि अब तू बुलाएगी भी तो मैं आने नहीं वाला। ब्रो क्या मतलब, इतना मैं खुश होता हूँ ना, मतलब ऐसे दोस्तों से मिल के आता हूँ घर पे एकदम हंसी मजाक में होता हूँ, तुम्हें सीधा ऐसा गाना सुना देते हो मेरे को, मतलब क्या बच्चे को रुलाना चाहते हो क्या तुम छोटे बच्चे को। ब्रो क्या चल रहा है, सुबह भी मैं एक सैड सॉन्ग सुन के घर से निकला था। कोई नहीं ब्रो चेक करते, ही इज अ स्टोरी टेलर भाई, मेरे को पता है कि कुछ डीप लिखा है भाई। और शुरुआत कोरस में मेरे को समझ में आ गया कि कहाँ पे जाने वाला है और क्या, मैं वही जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या किया उस लड़की ने। ब्रो मैले हाँस्न सिके दुखलाई भुलाए ठिक पारी दिए मुटुको दुखाए तिम्रो आश्वासन थियो कुकुरको भुकाए अब म आउँदिन तिमीले बोलाए। मलाई कुनै पश्चाताप छैन मैले गल्ती गरे, हजारौं केटीहरू थिए तिमी भनी बसे, तिमी रुदाखेरि तिम्रो आँसु पुछी दिन्थे, तिमी लोन्ली फिल गर्दा मैले साथ दिन्थे, अन्धकार दुनियाँमा म तिम्रो काम पनि दिन्थे, कर्ममा मम्मीलाई तिम्रो नाम पनि दिन्थे, मलाई तिमीबाट केही आश थिएन साथ खोजे थिए, जिन्दगीको सहयात्री बनाउन हात खोजे थिए सेक्सको। Damn, bro. It's a पोस्ट ब्रेकअप टाइप ऑफ सॉन्ग जहाँ पे वो एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड भी है ठीक है उस लड़की को लेके, क्यों ले जब भी उसने वही बोला ना कि तो अब तू बुलाएगी भी तो भी मैं आने नहीं वाला, तब से ही मैं समझ गया था क्या चलने वाला है। और यहाँ पे वो बेसिकली एक पूरा कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहा है, पूरी एक स्टोरी पोर्ट्रे कर रहे हैं जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मतलब थी तो थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स स्टिल भी मैंने हर टाइम तेरा नाम जपता रहता था, समझो चैंट करता रहता था तेरा नाम। वो बोल रहे कि जब भी तू रोती थी मैंने तेरे आंसू पोंछे, जब भी तू लोनली फील करती थी हमेशा मैं होता था जो तेरे को अपना हाथ देता था ताकि तू लोनली फील ना करे, तू रोना है तो मेरा हाथ पकड़ के दो ठीक है, तू अकेला फील ना करे। दैट्स द सीन, वो बोल रहा है कि तेरे पूरे जो ये अंधकार वाली दुनिया है डार्क वर्ल्ड था वहाँ पे मैं सन बन के आया तेरे लिए, वो बोल रहे हैं। और जब उसने बोला ना कि ब्रो आई टोल्ड योर नेम टू माय मॉम, वहाँ पे तो मतलब मैं ऐसा पिघल गया, मैं समझ गया भाई कि गहरा लव स्टोरी चल रहा है भाई ये जो भी है, मतलब मेरा तो ऐसा हिम्मत भी नहीं हो मम्मी को ऐसा बोलने की, मतलब समझ लो कि इससे तुम एक बात बताता हूँ, मतलब मेरे को ऐसा मन में सीधा ऐसा आया कि ऐसे अभी बहुत छोटी सिटी से बिलोंग करता हूँ मैं अभी ठीक है, तो मतलब ऐसा जब भी कोई रेस्टोरेंट इवेंट में हम लोग बैठे होते हैं तो कोई ना कोई जैसे आता ना कि बोलते कि आई फॉलो यू फ्रॉम यूट्यूब ये वो करके कोई बंदा बंदी मिल जाते मेरे को रैंडमली, तो मैं खुश होता हूँ, हाथ वाथ मिलाते हैं यू नो गले वले मिलते हैं फोटो वोटो लेते हैं मज़ा आता है बहुत। तो मम्मी साइड में देखती है बोले हाँ बड़ा हो रहा है लड़का यू नो कि करियर भी अच्छा चल रहा है, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो होगी, मतलब सबकी मम्मी ऐसे मस्ती करती ना, तो मैं हमेशा मेरा आंसर नो ही रहता है, मैं बोला कि नहीं। कोई क्लोज फ्रेंड भी होगी तो बोलेंगे असाइनमेंट्स की बात कर रहे हैं भाई हम लोग तो, समझ रहे क्योंकि किसी को भी इतना ज़्यादा क्लोज नहीं दिखाता खुद की, क्योंकि मेरे को पता है जिस दिन सच में किसी से प्यार व्यार होगा ना और घर पे मैं बताऊंगा तो मेरे उस दिन घर वालों को प्राउड होना चाहिए कि इतनी लड़कियों को साइड में रख के अगर इस बंदी को लेके आए तो कुछ तो बात है इसमें, समझ रहे हो। तो इतना इंपॉर्टेंस देता हूँ मैं उस लड़की को जब तक आई नहीं है। तो जैसे इसने बोला ना कि भाई मतलब मैं
मेरी मम्मी को भी पता है तेरा नाम, मैं मम्मी के सामने भी तेरा नाम लेता हूँ, तो मतलब उस टाइम में समझ गया भाई कत्लेआम सीन है भाई, बहुत डीप प्यार चल रहा है भाई का। के आस्ती ना साथ खोजे थे, जिंदगी को सहयात्री बनाउन हाथ खोजे थे, सेक्स को लागि होइन त्यस्ता केटी कति थिए कति, म बनेको थिए तिम्रो पुजारी तिम्रो नाम जपी, बन्छि त्यो सबैबाट गर्लफ्रेन्ड छ पनि, साथीहरू के गर्थे म जहिले तिमीसँग फोनमै, घण्टा त्यस्तो हुँदा पनि मलाई डाउट गर्ने, ठिक छन् होला केटाहरू तिम्रो लागि मर्ने, एक दिन ठुलो भाग खान्छ त्यस्तै तिमीलाई छोड्छ, अनि आउने छ त्यो दिन मेरो यादले तिम्रो छाती पोल्छ। मैले वो बोल रहा है कि इस पूरे दुनिया में अगर मुझे कुछ चाहिए ना तो तेरा हाथ चाहिए, तेरा साथ चाहिए, ठीक है, जीने के लिए। वो बोल रहा है कि अगर मुझे सेक्स वेक्स या ऐसा कुछ चाहिए होता भाई, तो मैं मेरे पास उस चीज़ों के लिए बहुत सारी लड़कियां ऑलरेडी है, ठीक है, पर मैं वो सब स्टफ में बिलीव नहीं करता, मैं सब चीज़ों से दूर रहता हूँ, ठीक है, और जैसे ही मेरे सामने ऐसा कुछ चीज़ें आती तो मैं इग्नोर करता हूँ ये बोल के कि मेरी गर्लफ्रेंड है ऑलरेडी तो मेरे को नहीं चाहिए ये सब। वो बोल रहा है कि मेरे दोस्त लोग ये चीज़ें करते रहते हैं, ठीक है, बट एट द सेम टाइम मैं तेरे साथ कॉल पर चिपका हुआ रहता हूँ, समझ रहे हो भाई। ये तो मतलब दैट्स व्हाई आई लव हिप हॉप, पता है, ये कुछ भी बनावटी चीज़ें नहीं है, ये वही स्टोरी है जिस स्टोरी से अपन सब रह कर आए हैं, ठीक है, ये फ्रेज में हर कोई बंदा रह के आया होगा, ठीक है, कि वो एक लड़की पे टिकना, एक लड़की को प्यार करना ब्रो, और सब दुनिया फिर ब्लर हो जाती है अपने सामने, तो ये बहुत ट्रू चीज़ है। लॉन्ग लिव हिप हॉप, मतलब समझ रहे हो, जय हिप हॉप भाई। मतलब हमेशा मेरे पास लगता है कि मतलब ये अपनी स्टोरी है, बस किसी और ने पोर्ट्रे कर दी है। डैम ब्रो दिस सॉन्ग इज कूल भाई। वो बोल रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी तू मुझे ब्लेम करती कि इस रिलेशनशिप में मैं गलत था, ठीक है, और बोल रहा है कि शायद से कोई और लड़का भी तेरी ज़िंदगी में आएगा, ठीक है, जो अपनी लाइफ तेरे पीछे डेडिकेट करेगा, बट एक दिन तो उसको भी चले जाना है, ठीक है, वो भी चला जाएगा तुझे पीछे छोड़ के, जैसे तू मुझे पीछे छोड़ के गई है, और उस दिन एक्चुअली तू मुझे मिस करेगी और तेरा यो दिल जल उठेगा कि भाई यार वो था और उसको जाने दिया। ब्रो डैम ब्रो कूल पोचा अनि आउने छ त्यो दिन मेरो यादले तिम्रो छाती पोल्छ। मैले हाँस्न सिके दुःखलाई भुलाए, ठीक पारी दिए मुटुको दुखाए, तिम्रो आश्वासन थियो कुकुरको फुकाए, अब म आउँदिन तिमीले बोलाए। मैले हाँस्न सिके दुःखलाई भुलाए, ठीक पारी दिए मुटुको दुखाए, तिम्रो आश्वासन थियो कुकुरको फुकाए, अब म आउँदिन तिमीले बोलाए। म राम्रो मान्छे होइन, धोके बाज हो, आफूले आफूलाई धोका दिनु अपराध हो, तिम्रो लागि गिरे म आफ्नै नजरमै, भिख मागे मायाको लागि भिखारी झैं कठोर म। यार पता है मेरी जनता को मैं ना ऐसे हंसता हुआ खुश लगता हूँ, इसलिए मैं जानबूझ के थोड़ा वैसा इंटेंस लुक मैं नहीं चला जाता एकदम, मतलब डीप नहीं चला जाता, ठीक है, अंदर से मेरे कुछ और चल रहा है इस वक्त पे, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बस दैट्स द सीन। यो यार ब्रो क्या क्या सॉन्ग है भाई, ये हार्ड सॉन्ग है भाई, समझ रहे हो, अपने दिलों के जज्बात लिख दिए भाई ने पूरे। वो बोल रहा है कि यार तेरे चक्कर में मैं खुद को बिट्रे करता जा रहा हूँ, कि मतलब यू नो कि मैं खुद को ही लव एंड रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहा हूँ, और पूरे टाइम मैं बस तेरे पीछे प्यार की भीख मांग रहा हूँ, समझ रहे हो, मैं खुद की आंखों में गिर चुका हूँ ब्रो। यार सब बंदे रिलेट कर रहे होगे इस वक्त। तिम्रो लागि कति गिरे म आफ्नै नजरमै, भिख मागे मायाको लागि भिखारी झैं कठोर म हैन, प्रिय कठोर तिमी रहेछौ, बलियो सोच्थे आफूलाई कमजोर म रहेछु, तिमी हाँस्नु भनेको कुकुरको दिन आउनु हो, हेर्दै जाऊ न तिमीलाई आउने छ मेरो छसलको, केटा म मात्र हैन कति पाउँछौ कति, तर त्यसको मजाको साधन बनिदिन्छौ, तिमी टन्न मोज गर्छ लास्टमा तिमीलाई थुकेर जान्छ, अनि मेरा यी शब्दहरूले तिम्रो टाउको खान्छ, सधैँ जवान हुँदैन तिमी एक दिन चौरी पर्छ गालामा, म त ह्यान्डसम किन के राखेको छ र छालामा, दुःख पर्दा मलाई सम्झ प्लिज म हात जोड्छु, हामी बिचको फरक के छ जे भए पनि म तिम्रो राम्रो सोले हाँस्न सिके दुःख। ब्रो पुरी स्टोरी बता दिए भाई ने, बोल रहे कि मेरे को तेरे जाने से पहले ऐसा लगता था कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बट एक्चुअली जब तू गई तो अपने को पता चला कि मैं कितना ज़्यादा वीक हूँ, ठीक है, इस रिलेशनशिप में मैं हार्स नहीं था, तू एक्चुअली हार्स थी, तो तू मुझे छोड़ के गई है, ठीक है, और वो बोल रहा है कि एक दिन ज़रूर आएगा जब तू मेरे को मिस करेगी, जब जो अनदर जो बंदा तू जिसको डेट कर रही होगी वो तुझे बस एक प्रोडक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट की तरह यूज़ करेगा और तेरे साथ बहुत ज़्यादा फन करेगा, बट एट द सेम टाइम जब वो जाएगा तेरे ऊपर थूक के वो चला जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ जाएगा, मूव ऑन कर जाएगा, तो उस दिन तुझे पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या बीता था, मेरे ऊपर क्या बीती थी, समझ रहे हो भाई। भाई साहब वो बोल रहा है कि यू नो कि मेरा जो प्यार है वो इतना प्यार है कि मैं लुक्स वुक्स से प्यार नहीं करता, ठीक है, ये दिल वाला प्यार है, समझ लो कि मतलब एक दिन मैं इतना हैंडसम नहीं हूँ पहली बात तो, और एक दिन तो ज़रूर आएगा तू भी यंग नहीं बचेगी, तेरे फेस पे भी रिंकल्स आ जाएंगे, ठीक है, तो लुक्स वाला प्यार कभी काम नहीं आएगा, क्योंकि लुक्स पे अगर तुम जा रहे हो तो मतलब वो तो कभी ना कभी फेड होने ही वाले, तो ब्रो मतलब जिस दिन तुझे मेरी सच में याद आ जाए तो प्लीज़ जब तू पेन में मुझे कॉल कर लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस तेरे और मेरे में यही है कि
मैं हमेशा तेरे बारे में अच्छा ही सोचता हूँ, चाहे तू जिस भी सिचुएशन में हो, जो भी हो। और तुम समझ रहे हो कि कैसी फ्रस्ट्रेशन है, कि एट द सेम टाइम जब वो शुरू हुआ था ना गाना, तब वो ऐसा बोल रहा था कि अब तू बुलाएगी तो भी मैं नहीं आऊँगा, और एट लास्ट में जब सॉन्ग एंड होता है तो वो ये बोल के बोल देता है कि यू नो कि जब भी तू पेन में, तू मुझे प्लीज़ एक बार कॉल कर देना, मैं हमेशा खड़ा हूँगा तेरे लिए। समझ रहे हो वो फ्रस्ट्रेशन कैसी है खुद के अंदर, कि मैं उससे प्यार भी कर रहा हूँ पर मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ उसके लिए स्टिल, कि वो चली जा चुकी है। अब बंदा ऐसा ही हो जाता है भाई, एक टाइम में टूट ही जाता है अंदर से, टूट के यू नो ऐसी चीज़ें बनाने वालों को तो आर्टिस्ट कहते हैं भाई। यार बहुत अलग सॉन्ग भाई, बहुत अलग सॉन्ग। मैं बोल रहा हूँ ना कि जितना मैं सुनता हूँ मैं न्यू चीज़ें सीखता हूँ, और मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ ब्रो, मेरे साथ ये लोग भी है ब्रो। आफ्टर ब्रेकअप दिस सॉन्ग इज मेडिसिन फॉर एवरीवन, एग्जैक्टली भाई। योर सॉन्ग आर मेडिसिन फॉर माय सैडनेस, लिसनिंग टू दिस बैंगर एट 2 AM इन द मॉर्निंग। भाई वही तो बात है ना, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट सिंपल लिरिक्स। बार हर बंदा पढ़ के ये सोचता होगा कि भाई मेरी लाइफ की कहानी है भाई ये, ठीक है। मतलब अगर कोई इतना डीप रिलेशन में नहीं भी रहा होगा ना, तो भी 50% तो उसने यही रिलेट किया ही होगा कि भाई हाँ भाई ये तो मेरे साथ भी होता है, ये तो मेरे साथ भी होता है, ऐसा मैं भी सोचा कभी कभी नहीं। तो वही चीज़ होता है यार, 10 ईयर्स बाद भी समझ लो ये सॉन्ग इतना रिलेटेबल है, तो मतलब अलग ही चीज़ है भाई। दिस सॉन्ग इज मेडिसिन ऑफ माई लाइफ, आई स्टिल लिसन दिस ऑन डेली, ओके। दिस सॉन्ग इज नेवर गोना बी ओल्ड, भाई साहब मज़ा आया यार। ऐसे कभी कोई पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहिए भाई, आराम से बैठ के चिल करना चाहिए, देखना चाहिए क्या स्टोरी टेलिंग है भाई। MC Flow इज अ लेजेंड भाई, सबको अपनी बंदी बंदी याद दिला दिया होगा भाई ने अभी इस वक्त पे। लेट मी नो तुम क्या सोचते हो सॉन्ग के बारे में, बाकी ड्रॉप योर ओपिनियंस। ऐसे ही ओल्ड सॉन्ग्स बताओ यार, अपन उस पर भी वाइब करेंगे किसी दिन बैठ के। बाकी फिलहाल के लिए मुझे एक जगह जाना है, तो फटाफट मैं भी निकलता हूँ। तुम सजेशंस ड्रॉप करो, सब्सक्राइब करो, मिलते तुमसे किसी और अच्छे रिएक्शन में। तो स्टे सेफ, वेयर मास्क, टेक केयर एंड टाटा। हुआ मैं तो ये गेमों को खेल के टिकटॉक और चूतियों की गाना हम पे लेते, गेम को घुमाता हूँ जैसे ये बेबलेट, हल्का समझते अब कहता हूँ चेक में। स्कूल में तालिक तरह बुक थी क्लास में, दिखते ही दिखते हैं गुम हो गए बैचमेट, ओके मिले फ्रॉम द पीपल हु वर फेक, M11 विद वुमन और अ स्नेक, अकेला काटा था मैंने बर्थडे केक, इमेजिनेशन में किया था बेक।